श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों सुखबीर बादल से सुनाए गए फैसले को कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने स्क्रिप्टिड करा दिता है। दरअसल एक इंटरव्यू दौरान राजा वड़िंग ने वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा कि असं श्री अकाल तख्त साहब का सन्मान करते हैं पर उतों जेड़े भी फरमान जारी करते हैं वह सुखबीर सिंह बादल के लोग ने। नाल ही वड़िंग ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अचनचेत एक दिन पहला ही सुखबीर बादल से फैसला क्यों लिया गया। मेरी बादलों नाल कोई निजी लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ बादलों की चलाकियां लोगों सामने उजागर करना चाहता। वड़िंग ने अगे कहा कि सुखबीर बादल ते सिंह साहबाना के आदेश पूरी तरह स्क्रिप्टिड ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुखबीर सिंह बादल ही तनखाइयां करा रहा है, फिर हरसिमरत कौर बादल या बिक्रम मजीठिया गिदड़बाह तो चोन क्यों नहीं लड़ाई जाती, या फिर यह खुले तौर पर मन लैन के मनप्रीत बादल नाल यह पूरी तरह क्यों खिचड़ी है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों सुखबीर बादल से सुनाए गए फैसले को कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने स्क्रिप्टिड करा दिता है। दरअसल एक इंटरव्यू दौरान राजा वड़िंग ने वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा कि असं श्री अकाल तख्त साहब का सन्मान करते हैं पर उतों जेड़े भी फरमान जारी करते हैं वो सुखबीर सिंह बादल के लोग ने। नाल ही वड़िंग ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अचनचेत एक दिन पहला ही सुखबीर बादल से फैसला क्यों लिया गया। मेरी बादलों नाल कोई निजी लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ बादलों की चलाकियां लोगों सामने उजागर करना चाहता। वड़िंग ने अगे कहा कि सुखबीर बादल से सिंह साहबाना के आदेश पूरी तरह स्क्रिप्टिड ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुखबीर सिंह बादल ही तनखाइया करा रहा है, फिर हरसिमरत कौर बादल या बिक्रम मजीठिया गिदड़बाह तो चोन क्यों नहीं लड़ाई जाती, या फिर यह खुले तौर पर मन लैन के मनप्रीत बादल नाल यह पूरी तरह क्यों खिचड़ी है।